आपको ये नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाना है और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ दे दीजिए। एलईडी ग्लो होना शुरू हो गया, इसका मतलब हमारा चार्ज यहाँ पर हो रहा है। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने ये लेजर लाइट का जो वीडियो बनाया था, ये चार्जर रिपेयरिंग का, इस वीडियो बहुत सारे प्यार मिला है, तो हम इस वीडियो के अंदर कुछ नया करेंगे, फिर से इस चार्जर जो है इसको दूसरे टाइप चार्ज करके दिखाएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए ये चार्जर था, तो आप ऐसे करके लगाने से ये देखिए आपका ग्रीन लाइट जल रहा है, और अभी आप यहाँ पर चार्जर के साथ बैटरी को लगाएंगे तो ये रेड लाइट ग्लो होना शुरू हो जाएगा, ऐसा हमने बनाया था। लाइट है ये रेड लाइट जो है, ऐसे करके लगाने से आपका जो चार्जर है वो प्लग में डालने से ये बैटरी लगाने के बाद ये रेड लाइट नहीं जल रहा है, इसका मतलब इसका जो कनेक्शन है नहीं हो रहा है। इसका और एक मतलब है आपका बैटरी भी खराब हो सकता है। आपको क्या करना है, एक दूसरा बैटरी डाल के यहाँ पर देखना पड़ेगा ऐसे करके। अगर ये रेड लाइट ग्लो होता है इसका मतलब आपका बैटरी जो है खराब है। ये बैटरी बहुत महंगा होता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक बैटरी खरीदने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको सबसे पहले कैसे चेक करना है, जिससे आप इसको चेक करके बता सकते हैं ये खराब है ना ये खराब है। आपको कैसे चेक करना है आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से एक एलईडी लेके आइए, ऐसा एक एलईडी आपको लेना है, उसके साथ साथ एक वायर लेंगे। इस वायर को ये नेगेटिव पॉइंट के साथ इसको लपेट देना है ऐसे करके। ये आपने लपेट दिया है, अभी क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव पॉइंट हो गया तो इसको यहाँ पर लगाने के बाद ये एलईडी को ऐसे करके चेक करें। एलईडी का ग्लो देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपका बैटरी जो है बिल्कुल सही है, आपका प्रॉब्लम जो है चार्जर के अंदर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस टाइम चार्जर को रिपेयरिंग करने के लिए जाना है। इसको खोल लेंगे फटाफट से। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो के अंत में आपको इस वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो चार्जर कनेक्टर लगा के इसको रिपेयरिंग करके आपको दिखा दिया था, आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा कनेक्शन है और ये लगा हुआ रहता है। तो हम यहाँ पर इसको कनेक्शन करके अब दिखा दिया था। अगर आपका जो चार्जर है एकदम पूरा खराब हो गया, ये जो आईसी जो लगा हुआ रहता है तो ये एकदम खराब हो गया, तब भी आप इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर आपके लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाएंगे तो वो अगर आपको बताएगा जो आपका जो चार्जर है पूरी तरह खराब हो गया है, आपको इसको फेंक के नया चार्जर लेना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारा ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आप घर पे बैठ के ऐसा चार्जर रिपेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको दिखाएंगे कैसे आप पूरा का पूरा चार्जर एकदम खराब हो जाएगा, सिर्फ ये पॉइंट और ये पेंट रहेगा तो आप इसको बिल्कुल सही कर सकते हैं। अभी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाके ऐसा एक चार्जिंग मॉड्यूल खरीद कर लाना है, ये देख सकते हैं ये ऐसा चार्जिंग मॉड्यूल आपको लाना है। इसको अंदर चार गो है, तो ये जो चार्जिंग मॉड्यूल ये आपको नहीं लेना है, आपको एक छोटा वाला चार्जिंग मॉड्यूल लेना है, जिसके साथ ये देख सकते हैं हम यहाँ पर जो चार्जिंग मॉड्यूल है इसके अंदर एक आईसी लगा हुआ है, ये बैटरी के प्रोटेक्शन के लिए। आपको ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो बैटरी है इसको चार्ज करना है और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपको ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है ये ही लेना है, ये सिर्फ और सिर्फ बैटरी को चार्ज करेगा, ठीक है। आपको इसको खोल लेना है, तो इसके साथ लगाने का कोई जरूरत नहीं इसको, इसलिए यहाँ पर ये जो प्रोटेक्शन सर्किट है इसको नहीं चाहिए। तो ये इसको छोड़ के आप ऐसा एक चार्जिंग मॉड्यूल लीजिए, एक बहुत कम दाम में आपको मिल जाएगा, आप उसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और इसको यहाँ पर हम लगा सकते हैं कहीं पर भी। ये देखिए इतना छोटा है, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, इसको ऐसे करके यहाँ पर लगा दीजिए, आपका जो सर्किट है एकदम अंदर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे करके भी आप लगा सकते हैं और इसको छोटा सा कट करके यहाँ से भी निकल सकते हैं ऐसे करके। और देखिए यहाँ पर इंडिकेटर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए दो इंडिकेटर लगा हुआ है, आप किसी भी पेन जो है इसको कट के यहाँ पर एक होल बना के इसके ऊपर ऐसे करके रखने से आपको बाहर से पता चल जाए ये जो बैटरी है फुल चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्लू एलईडी जलना शुरू हो जाएगा, आपको देख सकते हैं ऐसे करके हम लगा देंगे
ये देखिए आपका ब्लू एलईडी जल रहा है, इसका मतलब आपका बैटरी जो है यहाँ से कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए ये ब्लू एलईडी जल रहा है। और अगर इसको बैटरी लगाएंगे तो ये रेड एलईडी ग्लो होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे करके एक पिन को लगा देना है यहाँ पर और आप इसको बाहर से देख सकते हैं, ये ग्रीन एलईडी जल, ब्लू एलईडी जल रहा है, इसका मतलब आपका बैटरी जो है फुल चार्ज हो गया। तो ऐसे करके आप यहाँ पर लगा सकते हैं, वायर को कट कर लेंगे, ये देखिए। अगर आप यहाँ से लगा देंगे तो आपको सिर्फ दो वायर कनेक्शन करना है, ठीक है। अगर आप ये जो इंडिकेटर है इसको जलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दो साइड का जो वायर है इसको खोल लेना है और ये जो इंडिकेटर है इसके ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों रेजिस्टेंस के साथ कनेक्शन करना है और बीच वाला जो है यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा। क्या करना है, ये जो कनेक्शन है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, आपको यहाँ से कट कर लेना है और यहाँ से कट कर लेना है, दो वायर इसको ऐसे कट कर लेना है, सिर्फ दो वायर कनेक्शन करेंगे तो इसी से ये आपका जो चार्जर है ये आपका पॉजिटिव के साथ रेड वायर का सोल्डिंग कर देंगे और नेगेटिव के साथ ब्लैक वायर को सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए ये पॉजिटिव वाला वायर है, ये जो पॉजिटिव पॉइंट है इसके साथ सोल्डिंग कर देना है और ये नेगेटिव वाला पॉइंट है ये स्प्रिंग वाला, तो यहाँ पर नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर देना है। ये बोर्ड तभी लगाना है जब आपका जो ये सर्किट है पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, उस टाइम सिर्फ इस दोनों में कनेक्शन होगा, ये दोनों में कनेक्शन हो जाएगा। अभी देखिए इसको कट कर देंगे, यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव का कनेक्शन है, इसको यहाँ से कट कर देना है आपको, कट कर दिया हमने, और ये जो है नेगेटिव कनेक्शन है इसको भी कट कर देंगे हम, ठीक है। ये दो कनेक्शन हमने कट कर दिया है, तो अभी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पर लगा देंगे। अब देखते जाइए कैसे हम इसको लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा करके आपको लगा देना है और कुछ भी नहीं करना है, और इसके साथ साथ आपका जो बैटरी है इसको यहाँ पर लगा देंगे ऐसे करके, ये कनेक्शन हो गया। अभी हम यहाँ पर चार्जर का कनेक्शन करेंगे, ये चार्जर हमारा बैटरी के साथ लगा हुआ है तो हम यहाँ पर चार्जर को कनेक्ट करेंगे। ये देखिए आपका बैटरी चार्ज होना शुरू हो गया, ये रेड एलईडी ग्लो हो रहा है, इसका मतलब आपका बैटरी चार्ज हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको खोलने के साथ साथ ये देखिए ब्लू एलईडी जलना शुरू हो गया, इसका मतलब आपका जो बैटरी है फुल चार्ज हो गया। अभी देखिए किसी भी बैटरी को आप ऐसे करके टेस्ट कर सकते हैं, ये बैटरी खराब है तो इसीलिए ये दो लाइट जल रहा है और ये ब्लू लाइट जो है जलना शुरू हो गया। तो अभी किसी भी तरह किसी भी लाइट को, ये देखिए ये लाइट, ये बैटरी जो है हमारा खराब है, जल रहा है इसका मतलब बैटरी खराब है, तो बैटरी खराब है इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो बनाया था हमने, ये देखिए नेगेटिव को नेगेटिव से लगाएंगे और इसको लगाने से देखिए बैटरी एकदम बैटरी खराब है, ठीक है। ये देखिए हमारा बैटरी जो खराब है तो इसको चेक कर लिया हमने और इसको लगा कर देख सकते हैं। ये देखिए ये ब्लू एलईडी जो है ये रेड एलईडी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बैटरी 100% खराब है। ये देखिए अगर आप कुछ अच्छा वाला बैटरी डालेंगे तो संग संग ये रेड एलईडी ग्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे ऐसा कनेक्टर लगा सकते, यहाँ पर लगाने के लिए आपको किसी जगह पे होल बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसको लगा सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, ऐसा जो चार्जिंग मॉड्यूल हमने लगाया है इसी के साथ ही इसको कनेक्शन कर देना है। वो पॉइंट है यहाँ पर, दो कनेक्शन करना है आपको, ये जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है और ये नेगेटिव वाला पॉइंट है। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ दो वायर हमने सोल्डिंग कर दिया है, हमारा कनेक्शन हो गया है। अभी ये जो दो पॉइंट है इसको यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ सोल्डिंग कर दिया है। अभी टाटा केबल को लगाएंगे, देखिए हमारा एलईडी ग्लो होना शुरू हो गया ये टाटा केबल के साथ, के अंदर ऐसे करके डाल देंगे।
दोस्तों, क्या आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और नया नया इलेक्ट्रॉनिक्स काम देखना और सीखना चाहते हैं? प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहने वाला जो बेल का घंटी है उसको ऑल में दबा के रखिए। जब भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। आसानी से ऐसे करके किसी भी चार्जर को चार्जिंग वाला बना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक होल बनाकर वो जो इंडिकेटर है उसको बाहर निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ज आ रहा है कि नहीं, तो ये नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाना है और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। देखिए एलईडी ग्लो होना शुरू हो गया, इसका मतलब हमारा चार्ज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आसानी से किसी भी चार्जर को ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए।